मित्रों नमस्कार। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष में इस संवाद के माध्यम से आज मैं प्रेमचंद के कुछ उन वैचारिक और कथात्मक सरोकारों पर बात करूंगा जो आज भी ज्वलंत और प्रासंगिक है। प्रेमचंद और हमारे बीच एक शताब्दी से अधिक का अंतराल है। प्रेमचंद 1936 में नहीं रहे थे और 20वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशक साढ़े तीन दशकों का उनका रचना काल है। वो भारत की स्वाधीनता आंदोलन का भी काल था और बहुत ही घटना प्रधान समय था। प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार तो थे ही, लेकिन भारतीय समाज के अंतरंग दृष्टा भी थे। उन्होंने अपने समय समाज पर एक तीक्ष्ण और गहरी नजर रखते हुए अपने वैचारिक और रचनात्मक उन्होंने हस्तक्षेप किया। आज जो भारतीय समाज और भारतीय देश की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं किसी न किसी रूप में प्रेमचंद के समय में भी थीं, या ये कहा जाए कि जो प्रेमचंद के समय में भारतीय समाज और देश के समक्ष जो चुनौतियां थीं, वो किसी न किसी रूप में आज भी बरकरार है। अगर हम वापस प्रेमचंद के समय में जाएं, यानी कि आज से 100 वर्ष पूर्व, यानी हम 2024 में ये बात कर रहे हैं, अगर हम जो है 1920 से 30 के दशक के बीच का भारत देखें, तो उस समय जो समस्या एक ज्वलंत रूप में उपस्थित थी प्रेमचंद के वैचारिक लेखन के लिए भी और प्रेमचंद के रचनात्मक लेखन के लिए भी, वो समस्या हिंदू मुस्लिम संबंध थी। और एक दूसरी जो भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ करके जो दूसरा बड़ा मुद्दा था, वो वर्णाश्रम जाति संरचना थी। प्रेमचंद इन दोनों, यानी हिंदू मुस्लिम प्रश्न को और वर्णाश्रम जाति की जो विभेदकारी जो संरचना थी भारतीय समाज की, इन दोनों को स्वराज की से जोड़ करके देखते थे। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का कायम रहना और वर्णाश्रमी जाति समाज का समाप्त होना, वर्णाश्रमी जाति संरचना का समाप्त होना, ये स्वराज की वो बुनियादी शर्त मानते थे। गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के साथ 1920 के आसपास का जो दौर था, 1921 की, उसमें जो एकता कायम हुई थी, यानी हिंदू मुस्लिम संबंधों के बीच जो एकता कायम हुई थी, वो असहयोग आंदोलन की वापसी जब चौरी चौरा की घटना के बाद हुई, उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का जो अभियान था, ये थोड़ा कमजोर पड़ा, थोड़ा विदीर्ण हुआ। प्रेमचंद क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को आजादी की या स्वराज की बुनियादी शर्त मानते थे, तो ये उनके सामने जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित था कि अगर यह एकता विदीर्ण हुई, अगर ये एकता खंडित हुई, तो फिर स्वराज का जो लक्ष्य है वो कहीं जो है दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, यानी कि 1924 में एक रचना लिखी गई, यानी कि रंगीला रसूल। तो उस रंगीला रसूल में जो है हजरत मोहम्मद पैगंबर के जीवन को लेकर के, इस्लाम को लेकर के कुछ बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। उन आपत्तिजनक बातों के लिखने का मूल में था हिंदू मुस्लिम समाज के बीच एक वैषम्य कायम करना, एक दूरी कायम करना, एक जो है द्वेष की भावना का संचार करना। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बीच की एकता टूटी, तो जो हिंदू धार्मिक संगठन थे, जो शुद्धि आंदोलन था और जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन थे, इन सब के बीच में हिंदू संकीर्णता और मुस्लिम संकीर्णता का एक उभार हुआ।
उस हिंदू संकीर्णता मुस्लिम संकीर्णता के उभार का ही ये परिणाम था कि रंगीला रसूल जैसी रचना लिखी गई और विशलता लिखी गई, विचित्र जीवन लिखी गई, और उसी समय के थोड़े अंतराल के बाद आचार्य चतुर्सेन ने इस्लाम का विश्व वृक्ष सरीखी पुस्तक लिखी। ये चारों पुस्तकें या इस तरह की जो और छिटपुट रचनाएं लिखी जा रही थी, ये एक विषाक्त वातावरण तैयार कर रही थी। प्रेमचंद ने अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वाह करते हुए उन दिनों जो है एक लेख लिखा और वो लेख का शीर्षक था मनुष्यता का अकाल। यानी उन्होंने ये उस लेख के माध्यम से हिंदू समाज के आंतरिक दृष्टा के रूप में उसकी आलोचना करते हुए एक चुनौती भरे अंदाज में हिंदुओं के सामने और हिंदू नेताओं के सामने ये चुनौती पेश की कि आज सर्वाधिक जरूरत हिंदू जब सर्वाधिक आवश्यकता हिंदू मुस्लिम एकता की है, तो इस तरह की द्रोह भरी रचनाएं लिख करके आप जो है एक जो है दोनों समुदायों के बीच में एक द्वेष का भाव, एक जो है नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं, और ये करके आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, आप स्वराज विरोधी काम कर रहे हैं। और ये करते हुए उन्होंने यानी कि जो हिंदू संगठनों के जो नेता थे, जो शुद्धि आंदोलन के नेता थे, उनकी भर्त्सना तो की ही, कांग्रेस के अंदर भी जो एक नरम हिंदुत्व का जो भाव था, जो इस हिंदुत्व का जो उभार था, कट्टर हिंदुत्व का उभार था, उसकी जब तब आलोचना तो करता था लेकिन कभी कभी उसके साथ हित संतुलन भी करता था। प्रेमचंद ने उन कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि पंडित मोतीलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को और दूसरे नेताओं से भी कहा कि आपको जितनी सख्ती के साथ इस हिंदू कट्टरता का, हिंदू सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए, उतनी सख्ती के साथ, उतने तीखेपन के साथ आप जो है अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा और उस लेख में इसको बहुत शिद्दत के साथ रेखांकित किया कि आज जो है एक इतिहास का सहारा लेकर के, अतीत का सहारा लेकर के, मुगल बादशाहों का सहारा लेकर के समूचे जो एक मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम जनता है, उस मुस्लिम जनता को लांछित किया जा रहा था। सोचने की बात यह है कि आज जो एक बात कही जा रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है, एक समय ऐसा आएगा जबकि मुस्लिम जनसंख्या जो है हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, और यही बात लगभग यही स्थिति जो है उस जमाने में भी थी। उस जमाने में भी हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, गो हत्या का मसला, धर्म परिवर्तन का मसला, मस्जिदों के सामने से जो है बाजा बजाते हुए जो है धार्मिक जुलूसों का निकलना, इस तरह की जो बहुत सी चीजें थी, प्रेमचंद ने इन सारी चीजों को यानी कि एक जिसे कहा जाए एक वैचारिक योद्धा की तरह से उन्होंने इन सारी समस्याओं पर जो है उस लेख के माध्यम से बहुत फटकार भरी मुद्रा में और चेतावनी भरी मुद्रा में उस लेख में लिखा। तो वो लेख तो लिखा ही, उसके साथ साथ उन्होंने उसी समय एक नाटक लिखा, करबला नाटक। देखिए प्रेमचंद का जो एक आशय था, जो उनका मंतव्य था, वो उनका मंतव्य ये था कि दोनों समुदायों के बीच में एक सौहार्द कायम रखना और एक जो व्यर्थ का या जो एक मिथ्या प्रचार किया गया है धर्म को लेकर के या इस्लाम को लेकर के, उन सारी चीजों को जो है जो आधारहीन है, उन आधारहीन चीजों को खारिज करना। तो करबला नाटक के माध्यम से यानी कि जो करबला की घटना थी, उस करबला की घटना में यानी कि उन्होंने उस नाटक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम सौहार्द को इस रूप में चित्रित किया कि उस करबला का की घटना में कुछ हिंदू भी शामिल थे, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य थे। तो प्रेमचंद ने उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बना करके ये लिखा कि उस करबला की घटना में एक न्याय को बचाने के लिए, अन्यायी के खिलाफ उस संघर्ष में जो वहां कुछ हिंदू थे वह भी उसमें शामिल थे, उन्होंने भी एक शहादत दी थी।
लेकिन उस नाटक के लिखने का जो है दो तरह का असर हुआ, यानी कि प्रेमचंद थोड़ा दुखी भी हुए कि वो जब नाटक जो है जमाना पत्रिका में छपा और जब छप करके आया तो कुछ हिंदू भी नाराज हुए प्रेमचंद से और कुछ मुस्लिम भी नाराज। प्रेमचंद हिंदू इसलिए नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि भाई करबला के संग्राम में जो है वो हिंदुओं की उपस्थिति क्यों दिखाई गई। मुस्लिम इसलिए संग्राम हुए नाराज हुए कि भाई हमारा जो एक करबला का जो संग्राम था, करबला का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के बारे में या हमारे पैगंबर के बारे में ही किसी हिंदू का क्या अधिकार है कि उस पर लिखे। प्रेमचंद दुखी हुए, यानी कि अगर उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे मजहब के पैगंबर की प्रशंसा में भी लेख नहीं लिख सकते तो ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन इसके बावजूद प्रेमचंद ने सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए लगातार, यानी कि अगर संपूर्णता में देखा जाए तो प्रेमचंद की कम से कम जो है लगभग 40-50 के आसपास जो है लेख और टिप्पणियां ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे हस्तक्षेप करती हुई हैं और जो एक मिथ्या प्रचार है उस मिथ्या प्रचार का खंडन मंडन करती हुई है। इसी क्रम में उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता शीर्षक लेख लिखा। उस हिंदू मुस्लिम एकता शीर्षक लेख का जो एक मुख्य बिंदु था, जो मुख्य विषय वस्तु थी, वो ये थी कि कहा यह जाता है कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला। प्रेमचंद ने उस लेख में स्थापना की कि इस्लाम जो है तलवार के बल पर नहीं फैला। उन्होंने कहा कि जो है इस्लाम भारतवर्ष में जो उसके फैलने का कारण ये था कि भारतवर्ष के जो हिंदू धर्म के में जो निम्न जातियों के लोग थे उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनको इतना सताया गया कि उनमें से बहुतों ने धर्म परिवर्तन किया। तो प्रेमचंद की यह स्थापना थी कि इस्लाम तलवार के बल पर न फैल करके हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी, जो अत्याचार थे, जो विसंगतियां थी, उन कारणों से जो है हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। और उन्होंने बौद्ध का भी जिक्र किया, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। और उस लेख में उन्होंने गाय को लेकर के, यानी जो बातें, यानी अगर उस लेख की, या ऐसे कई लेख ऐसे हैं जिनमें से अगर प्रेमचंद का नाम हटा दिया जाए और तारीख हटा दी जाए तो ऐसा लगता है कि वो लेख आज के संदर्भ में आज की समस्याओं के इर्द गिर्द लिखे गए हैं। यानी कि जो गो हत्या का मसला है, जो गो रक्षा का मसला है, उस गो रक्षा और गो हत्या के मसले पर भी उन्होंने उस लेख में लिखा, कहा कि ये ठीक है, गाय जो है हिंदू धर्म के लोग उसे एक पवित्र चीज मानते हैं, बेशक गाय जो है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू अनुयायियों के लिए एक पवित्र चीज है, लेकिन उस गाय की, लेकिन उनका गाय है तो एक पशु ही, वो पशु जो है इंसान से ज्यादा कीमती नहीं है, तो उस गाय को बचाने के लिए हम इंसान की हत्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गाय एक जो है बहुत अच्छा जानवर है, दूध देने वाला है, और उसकी एक, जिसे कहा जाए कि आर्थिक, उसकी एक आवश्यकता है, एक जरूरत है, तो उस आर्थिक आवश्यकता और जरूरत को स्वीकार करते हुए और धार्मिक भावनाओं को भी स्वीकार करते हुए हम दूसरे धर्म के लोगों पर हम जो है अपने आचरण को हम उन पर लागू नहीं कर सकते। अगर हम गोमांस नहीं खाते हैं तो अगर दूसरे धर्म के लोग जो गोमांस खाते हैं तो उन पे हम उनको ये जो है मजबूर नहीं कर सकते, उनको विवश नहीं कर सकते कि वो वही आचरण अपनाए खान पान रहन सहन में जो हम अपनाते हैं। इसी तरह से जो है उन्होंने कहा, भाई देखिए धर्म जो है एक विग्रह के आधार पर, विद्वेष के आधार पर नहीं चला था। अलग अलग धर्म होते हैं लेकिन धर्मों में जो सहिष्णुता का भाव होता है वो आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि अगर जो है मस्जिदों के सामने से बाजा बजाते हुए या एक गीत गाते हुए या शोर मचाते हुए जुलूस लेकर के निकलने से किसी के अपने धर्म पालन में जो है बाधा पड़ती है तो बेहतर यही है कि हम वहां पर से शांति से गुजर जाए। तो इस तरह की, यानी कि जो जीवन मर्रा की जो रोज की बातें थी उन बातों को संबोधित करते हुए दूसरे जो इतिहास की बातें थी, उन्होंने कहा देखिए विजेता अपना इतिहास लिखते हैं,
विजेताओं का अपना इतिहास होता है, विजेता जो है विजित जाति पर अत्याचार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सच है कि भारत में जो जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो शासक थे, उन शासकों ने जो शासक करते हैं अत्याचार, उस तरह के शासकों ने उसका अत्याचार भी किया, लेकिन अतीत के या इतिहास के उन अत्याचारों के कारण आज जो है समूची कौम को, समूचा जो है एक मुस्लिम जो जनसंख्या है उसको हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। और एक बात ये भी थी कि प्रेमचंद जो है एक बहुसंख्यक समाज से आते थे, हिंदू समाज से आते थे, तो वो एक अपना अधिकार समझते थे कि हम जो है हिंदू समाज के जो सांप्रदायिक हैं या हिंदू समाज के लोग जो हैं, जो हिंदू धर्म को लेकर के उसकी जो एक सहिष्णुता की बात है, जो भाईचारे की बात है, जो परोपकार की बात है, इन बातों को दरगुजर करके अगर जो है कुछ ऐसी बातों के सहारे दूसरे धर्म के साथ विद्वेष करते हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम हस्तक्षेप करें। उनका एक बहुत ही चर्चित लेख सांप्रदायिकता और संस्कृति हम सभी लोग जानते हैं। तो सांप्रदायिकता और संस्कृत लेख उनके बाद के दौर का है, यानी 1935 में लिखा हुआ वो लेख है। उसके माध्यम से उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिकता हमेशा एक मुखौटा ओढ़ करके आता है, अपने असली रूप में आने पे उसे शर्म आती है, उसी तरह से जैसे कोई गीदड़ जो है शेर की खाल ओढ़ करके आता है, रूप बदल करके आता है, उसी तरह से सांप्रदायिकता जो है संस्कृति का रूप लेकर के आती है। उनकी यह भी स्थापना थी कि आज न कोई हिंदू संस्कृति है, न मुस्लिम संस्कृति है, न ईसाई संस्कृति है, जो संस्कृति है वो आर्य संस्कृति है, यूरोपीय संस्कृति है, या एक जो है भूभागों की संस्कृति है जहाँ के खान पान रहन सहन इसकी विविधता भी है और इसकी भी एकता है। उन्होंने कहा संस्कृतियां इन चीजों को लेकर के होती है, धर्म की संस्कृति का सहारा लेकर के या धर्म को संस्कृति का आधार बना करके राष्ट्र नहीं बना करते हैं। ये प्रेमचंद जो है उस समय स्थापित कर चुके थे। और प्रेमचंद ने लगातार, यानी कि बनारस में एक घटना हुई थी कि हजरत मोहम्मद पैगंबर की जो है स्मृति में बनारस में एक बड़ा आयोजन किया गया। उस आयोजन में जो है मुस्लिम धार्मिक नेता भी थे, समाज सेवी भी थे और उसमें दूसरे भी लोग थे, और उसमें जो है भाषण हुए, और प्रेमचंद ने उस समूचे उस घटनाक्रम पर जो है एक लेख लिखा, और उन्होंने लिखा कि जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसमें जो वक्तव्य दिए गए उसके माध्यम से, खासकर जो भारत में ब्रिटिश राज के लेखक है पंडित सुंदरलाल, उस पंडित सुंदरलाल का बहुत ही अच्छा भाषण उस समारोह में हुआ था। उन्होंने एक लंबे लेख के माध्यम से, प्रेमचंद ने लंबे लेख के माध्यम से सुंदरलाल जी के भाषण, कि सुंदरलाल जी ने अपने उस भाषण में हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में किस तरह भ्रांतियों का निवारण किया, किस तरह वो आदमी जो है एक जिसे कहा जाए कि संत महात्मा की श्रेणी के हजरत मोहम्मद थे, किस तरह का सादगी भरा जीवन बिताते थे, इस तरह का सादगी भरा जीवन बिताने के बारे में जो बहुत सी जो है एक भ्रांतियां पैदा की गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत विलासी थे ये, लेकिन जो पंडित सुंदर लाल जी ने जो भाषण किया और जिस तरह से हजरत मोहम्मद की जो छवि पेश की, यानी कि जो आदमी 25 साल की उम्र तक अविवाहित रहता है, 25 साल की उम्र के बाद विवाह करता है, और 25 से 50 वर्ष की उम्र में जो है जैसे एकल पत्नी को साथ रखता है, 50 की उम्र के बाद जो है उन्होंने कहा कि कई मोहम्मद साहब ने कई शादियां की, लेकिन उस शादियों का कारण क्या था? उन्होंने कहा उन शादियों का कारण क्या कि उस जमाने में कबीले हुआ करते, एक कबीला दूसरे कबीले पर जब जीतता था तो दूसरे कबीले की शर्त होती थी कि आप हमारे यहाँ की जो है एक महिला को स्वीकार कीजिए और विवाह कीजिए, अगर विवाह नहीं करते हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने हमारे कबीले को स्वीकार किया। तो कहा इस तरह की कबीलाई संस्कृति के कारण मोहम्मद साहब को कई एक शादियां भी करनी पड़ी, और एक बहुत सारी, यानी कि मोहम्मद साहब के जीवन को लेकर के जिस तरह से उन्होंने उस लेख में जो वर्णन किया है, तो उससे लग रहा है कि एक कदम कदम पर वे एक जो है
हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द को कायम करने के लिए एक हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। तो इन वैचारिक पहलुओं के साथ साथ वो अपने कथात्मक लेखन में भी, यानी कि अभी मैंने बताया कि करबला नाटक तो लिखा ही, उसी दौर में उन्होंने एक बौड़म शीर्षक कहानी लिखी। उस बौड़म कहानी का जो पात्र है, यानी कि वो जो है एक बहुत धनी परिवार का है, तो उसका नाम मोहम्मद खलील है। लेकिन वो मोहम्मद खलील जो है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से न संकीर्ण धार्मिक है और न आडंबर को मानता है। एक संपन्न परिवार का होने के बावजूद जो है वो जो है श्रमिकों से, मजदूरों से, मेहनत कशों से लगाव महसूस करता है और धर्म का सही रूप में आचरण करता हुआ उसके पाखंड के विरुद्ध जो है अपनी बात कहता है। तो उस मोहम्मद खलील जैसा चरित्र जो है पैदा करके, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो है समाज में उसे बौड़म कहा जाता है, यानी कि हिंदू भी उसको बौड़म कह रहा है, मुस्लिम भी उसको बौड़म कह रहा है। तो एक आदर्शवादी सकारात्मक पात्र उन्होंने रचा। इसी तरह मंदिर मस्जिद कहानी में चौधरी इसरत अली सरीखा पात्र, यानी कि चौधरी इसरत अली के दामाद को मारा गया, जबकि मुसलमानों की एक उन्मादी भीड़ एक मंदिर में प्रवेश करती है और चौधरी इतरत अली का जो सेवक है, जो हिंदू राजपूत है, वो देखता है कि मंदिर पर जो है एक उन्मादी भीड़ ने हमला किया। तो उस मंदिर की रक्षा के लिए उस उन्मादी भीड़ से को वो रोकता है। उस रोकने के प्रयास में चौधरी इतरत अली के दामाद की हत्या हो जाती है, वो दामाद की मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन इसके बावजूद चौधरी इसरत अली अपने उस सेवक ने जो एक जिसे कहा जाए कि अपने कर्म का निर्वाह किया था, अपने दायित्व का निर्वाह किया था, उसके लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जीवन का सब कुछ लुट गया, हमारा दामाद नहीं रहा, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन वही जो उनका राजपूत सेवक है, जब स्वयं कई वर्षों के बाद हिंदू उन्मादी भीड़ का हिस्सा होकर के जब वो मस्जिद पर हमला करता है और जब चौधरी इसरत अली को पता चलता है, तो चौधरी इसरत अली खुद तलवार लेकर के अपने उस, यानी कि एक जो उनका सेवक था, सबसे प्रिय सेवक था, वो उस सेवक पर तलवार लेकर के उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है, अब मैं तुम्हारी गर्दन मुझे धड़ से अलग करनी पड़ेगी। तो सेवक ने कहा कि हुजूर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, कल सुबह मेरी गर्दन आप तक पहुंच जाएगी। कहानी का अंत यही होता है। तात्पर्य कहने का कि इस तरह की कहानियां, जाहिर है कि ये सब आदर्शवादी कहानी है, और प्रेमचंद क्यों, यानी कि चाहे इसरत अली हो, चाहे दूसरे पात्र हो, मोहम्मद खलील हो, या फिर हिंसा परमो धर्म का जो है जामिन जैसा पात्र हो, कि वो मंदिर में जाता है, मंदिर की सफाई करता है, तो हिंदू लोग समझते हैं कि एक सेवक, एक नौकर हमें मिल गया, उससे सफाई का काम ये सब कराते हैं। बाद में उन्हें लगा कि शुद्धि इसकी कर देनी चाहिए, तो वो वहां से भागता है। और फिर जो मस्जिद जाता है तो मस्जिद वाले कहते हैं कि जो है इसकी तबलीग करनी चाहिए, यानी कि हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी एक कच्चे माल सरीखा है। अंत में वो कहता है कि दोनों धर्मों में मेरा निवार नहीं है। तो जाहिर है कि जामिन जैसा पात्र या इस तरह के पात्र जो है प्रेमचंद सृजित कर रहे थे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, यानी मुक्तिधन कहानी है। उस मुक्तिधन कहानी का एक मुस्लिम पात्र रहमान है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेमचंद जो है सायास रूप से एक अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज जो एक निशाने पर था, उस समाज के बीच से ऐसे सकारात्मक, ऐसे आदर्शवादी पात्रों का सृजन कर रहे थे जिससे कि ये द्वेष कुछ कम हो। यानी जो मुक्तिधन का जो रहमान है, वो अपनी गायों को कसाई को न बेच करके ऐसे हिंदुओं को बेचता था, ऐसे हिंदुओं के पास भेजता था जो कि अपने पास रखें, उसको खिलाए पिलाए और उसके दूध का सेवन करें। तो रहमान जैसा पात्र, और रहमान को एक बात यह भी कि, यानी कि जो इस तरह के जो पात्र हैं उनमें कई पात्र ऐसे हैं, यानी कि बाद में जो उन्होंने एक कहानी लिखी, यानी कि देखिए स्वाधीनता आंदोलन में
हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन मुस्लिमों के बारे में जो एक लांछित किया जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कराया, ये अलगाववादी हैं, इन्होंने जो है देश का बंटवारा कराया। प्रेमचंद यानी प्रेमचंद अपने समय में उस 20 30 35 36 के उस दौर में इन सब चीजों को, इस खतरे को जानते थे, तो उन्होंने ऐसे पात्रों की यानी जुलूस जैसी कहानी, उस जुलूस जैसी कहानी में जो है इब्राहिम शरीका पात्र, यानी इब्राहिम जो है कांग्रेस का स्वयं सेवक है और वो जो है पिकेटिंग करता है और वो जुलूस में जाता है और एक हिंदू दरोगा जो है उस पर लाठी मारता है और इब्राहिम शहीद हो जाता है। अगले दिन जो है शहीद का यानी इब्राहिम का शव यात्रा जुलूस निकलता है, लेकिन उस शव यात्रा यानी कि मरने के पहले इब्राहिम ने एक वसीयत की थी। वो वसीयत थी कि भाई मेरे शव को गंगा में नहला करके और मेरी कब्र पर स्वराज का झंडा लहरा देना। यानी ये पात्र प्रेमचंद ने सृजित किया कि एक मुस्लिम पात्र वसीयत कर रहा है कि मेरी लाश को गंगा में नहला करके और जो है मेरी कब्र पर स्वराज की पताका पहरा देना। तो जाहिर है कि जब प्रेमचंद इस तरह के पात्रों का सृजन कर रहे थे तो इस तरह के पात्रों का सृजन करते हुए प्रेमचंद जो है अपने उस विश्वास का, यानी कि जो है कि देश स्वाधीन होगा तो कैसा देश स्वाधीन होगा और मजहबों के बीच में एकता कायम रहेगी या न रहेगी, ये चिंता प्रेमचंद की है। तो आज जब हम प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद की इन चिंताओं पर बात की जानी चाहिए। हजरत मोहम्मद पैगंबर पर उन्होंने लिखा है, नबी का नीत निर्वाह एक दूसरी कहानी। देखिए कई कहानियां हैं, उनके बहुत से लेख हैं, जाहिर है कि इस संक्षिप्त वार्ता में वो सारी बातें नहीं कही जा सकती जिनको कि याद किया जाना चाहिए जो कि आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। मैंने एक दूसरी बात की कि वर्णाश्रम जाति भेद, प्रेमचंद इन दोनों चीजों को अन्योन्याश्रित समझते थे। यानी कि हिंदू धर्म का जो श्रेष्ठता भाव है, वो श्रेष्ठता भाव जहां मुस्लिमों को जो है म्लेच्छ समझता था, वही उनका श्रेष्ठता भाव जो शूद्र थे, जो निम्न जातियां थी, उनको एक अछूत के मानन मानता था। तो प्रेमचंद इन दोनों चीजों को, यानी कि इसको मानते थे कि जो हिंदू धर्म का जो वर्णाश्रमी जो संरचना है, उस वर्णाश्रमी संरचना में जो श्रेष्ठता का भाव है, उस श्रेष्ठता के भाव का ही का परिणाम है। इसलिए उन्होंने एक लेख लिखा कि क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, ये 1934 का लेख है। इस लेख में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्णाश्रम व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है। यानी कि प्रेमचंद, आप सोचें कि 90 वर्ष पूर्व, एक शताब्दी पूर्व ये बातें जो है कह रहे थे, लेकिन ये बातें जो कह रहे थे तो समाज में दूसरी ताकतें भी थी, यानी कि जिन ताकतों के खिलाफ, यानी जो वर्णाश्रम स्वराज संघ था, जो वर्णाश्रम धर्म को जो मानने वाले थे, वो प्रेमचंद के पर हमलावर भी हुए। प्रेमचंद को हिंदू द्रोही भी कहा, ब्राह्मण द्रोही भी कहा और उन पे तरह तरह के लांछन लगाए, लेकिन प्रेमचंद जो है एक योद्धा की तरह जो है अपने इस लेखन के साथ जो है पूरी तरह से समर्पित थे और उसकी रक्षा में खड़े हुए थे। उन्होंने लिखा, जब उनको ये कहा गया कि प्रेमचंद घृणा के प्रचारक, प्रेमचंद ब्राह्मणों के विरुद्ध घृणा फैला रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं, लेकिन एक जो वर्णाश्रमी जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध हम जरूर जो है, अगर मेरे लेखन से घृणा फैलती है तो फैले, और जीवन में घृणा का भी स्थान है। आज इतने समय के बाद जब हम प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं, उनके दलित सरोकारों की बात करते हैं, तो देखिए अंबेडकर, प्रेमचंद, गांधी, इन तीनों का एक ही समय था। यानी कि जिस समय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व गांधी कर रहे थे, उसी समय जो है अंबेडकर जो है दलित सवालों के साथ और खड़े हुए थे, दलित अधिकारों की बात कर रहे थे, पूना पैक्ट उसी बीच में हुआ था, उसी बीच जो है प्रेमचंद अपना लेखन कर रहे थे। यानी 1927 में जो है प्रेमचंद ने मनुस्मृति का दहन किया था,
तालाब से पानी लेने का आंदोलन, उसके साथ जो है मनुस्मृति का दहन। 1927 में ही प्रेमचंद ने मंदिर कहानी लिखी थी। मंदिर कहानी यानी कि मंदिर कहानी जो है जहां इस बात को रेखांकित करती है कि हिंदू धर्म कितना विभेदकारी था और एक शूद्र और दलित समाज की स्त्री अपने अपने बीमार बच्चे को लेकर के मंदिर में भगवान के दर्शन कराने जाती है, लेकिन उसे दर्शन करने नहीं दिया जाता, उसे जो है सीढ़ियों से मार करके पीट करके भगा दिया जाता है। लेकिन वो स्त्री यानी कि वो जो सुखिया है उस कहानी की, वो जिस तरह से फिर जो है पुरोहितों को लताड़ लगाती है, बंद कर रखो अपने देवताओं को अपने मंदिर में, अगर मेरे छूने से देवता अपवित्र हो जाते हैं तो ऐसे देवता का मैं क्या करूं, नहीं आऊंगी अभी इस मंदिर। यानी कि एक आक्रोश, दलित आक्रोश की अभिव्यक्ति जो है उस दलित स्त्री के माध्यम से प्रेमचंद कराते। तो प्रेमचंद के लेखन की और वैचारिकता की एक खास बात यह है कि खाली वो एक जिसे कहा जाए कि सहानुभूति के साथ ही चित्र नहीं करते थे बल्कि आक्रोश की अभिव्यक्ति भी करते थे। गोदान का वो प्रकरण सभी को पता है, सिलिया और माता दिन का प्रसंग, जिसमें कि सिलिया का जो है शारीरिक शोषण माता दिन करता है और एक प्रेम का एक जाल भी बुनता है। तो एक दिन दलितों का पूरा समाज इकट्ठा होकर के सिलिया को साथ में लेकर के माता दीन यानी कि जो पंडित माता दीन है माता दीन के पास जाता है, तो के जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई या तो सिलिया को तुम स्वीकार कर लो, है अगर तुम सिलिया को ब्राह्मण नहीं बना सकते, तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, अपने साथ तुम रख नहीं सकते हो, तो हम तुम्हें दलित बना सकते हैं। ये कहते हुए उस जो दलितों का जो हुजूम था, दलितों का जो समूह था, उन्होंने हड्डी जो है माता दीन के मुंह में डाली। अब प्रेमचंद 1935-36 में जो उपन्यास लिख रहे थे उसमें दलित आक्रोश की ये अभिव्यक्ति यानी मुंह में हड्डी, एक ब्राह्मण के मुंह में हड्डी डालने का आशय ये था कि अगर जो है जनेऊ से और खान पान से ही धर्म तुम्हारा सुरक्षित है तो हम तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे। तो ये एक जो आक्रोश था, ये एक प्रतिरोध था, ये प्रेमचंद जो है उस समय जो है अपने कहानी के भी माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, अपने वैचारिक लेखन के माध्यम से पैदा कर सके थे। प्रेमचंद ने जैसे कर्मभूमि में मंदिर प्रवेश आंदोलन का जिक्र है, लेकिन उन्हें कोई भ्रम नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई मंदिर प्रवेश दे करके हिंदू समाज अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है, यानी कि जो पाप जो है हिंदू धर्म के लोगों ने स्वयं किए हैं उस पाप का प्रक्षालन है। आप दलितों का कोई उद्धार नहीं कर रहे हो, दलितों को मंदिर प्रवेश से ज्यादा जरूरत है शिक्षा की, ज्यादा जरूरत है रोजगार की, ज्यादा जरूरत है कि इनको भूमि दी जाए। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो एक भेदभाव का वातावरण बना रखा है उसको देखते हुए गांधी का ये कहना ठीक ही है कि भाई मंदिरों को दलितों को मंदिर प्रवेश से नहीं रोका जाना चाहिए। तो एक सीमा तक यानी कि दलितों यानी कि मंदिर जैसी कहानी भी लिखी और दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार का वो समर्थन भी करते थे, लेकिन वहीं प्रेमचंद नहीं रुकते थे, वो आगे जानते थे। और प्रेमचंद का मन सर्वाधिक तब रमता था जबकि दलित स्त्री भी हो, यानी कि स्त्री और दलित जहां एकाकार होकर के आती थी वहां प्रेमचंद का जो आक्रोश था वो देखते बनता था। ठाकुर का कुआं कहानी यानी कि एक जो है गंगी के पति को जो है शुद्ध पानी नहीं मिलता और वो मर जाता है, लेकिन गंगी वहां पर जो जिस तरह की बातें कहती है यानी कि सारा ब्राह्मण के पति, क्षत्रिय के पति, बनिया के पति, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ये कितने बड़े शोषक हैं। तो इसको एक गंगी के मुंह से जो है प्रेमचंद कहलाते हैं। तो प्रेमचंद जो है कोई अवसर जो है बाकी नहीं छोड़ते थे, यानी घास वाली कहानी की मुलिया, वो मुलिया भी एक जो जिसे कहा जाए कि जो एक पाखंड है, जो एक समण जातियों का पाखंड है, उसका खुलासा करती है। तो जहां प्रेमचंद जो है स्त्री पर बहुत स्पष्ट बात है कि स्त्रियां जो हैं दो तरह की गुलामी, यानी कि एक पितृसत्ता की भी गुलामी थी, मनुवाद की भी गुलामी थी और स्त्री होने की तो थी ही,
प्रेमचंद की लेखनी जो है सर्वाधिक पैने ढंग से, सर्वाधिक सशक्त ढंग से इन सब चीजों पे हमला करते। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे कि प्रेमचंद ने अपने कहानी में, एक कहानी है उनकी बेटों वाली विधवा, उस बेटों वाली विधवा में जब वो उस कहानी की जो एक जिसे कहा जाए केंद्रीय पात्र है, जब वो विधवा हो जाती है तो बेटे जो है उसको एक दोयम दर्जे की स्थिति में ला करके डाल देते हैं, तो सवाल ये करती है कि ये नियम किसने बनाया, यानी कि विधवा के ये नियम की विधवा का कोई अधिकार नहीं होगा, ये नियम किसने बनाया। उसके बेटे कहते हैं ये नियम मनु ने बनाया। वो कहती है आग लगे ऐसे विधान को, यानी आप देखिए कि प्रेमचंद सन 30-32 के आसपास जो कहानी लिख रहे थे बेटों वाली विधवा, उसमें वो जो है मनुस्मृति को और मनु के विधान को कहते हैं आग लगे इस विधान को। लेकिन होता क्या है, बेटों वाली विधवा कहानी का विस्मृत कर दिया जाता है। स्मरण किस कहानी का किया जाता है, स्मरण कहानी बड़े घर की बेटी का किया जाता है। यानी 1910 में प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी लिखी। बाद के दौर में जाने कितनी ऐसी कहानियां और उपन्यासों में ऐसे पात्र सृजित किए जो कि पितृसत्ता का क्रिटिक करते हैं, परिवार संस्था का क्रिटिक करते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। जाहिर है कि प्रेमचंद की एक ऐसी छवि रची जाती है, एक ऐसी, एक जिसे कहा जाए कि एक सर्वमान सर्वस्वीकृत, जिसमें बड़े घर की चर्चा हो, जिसमें गुल्ली डंडा की चर्चा हो, जिसमें ईदगाह की चर्चा हो, लेकिन जुलूस के इब्राहिम कहीं पीछे छोड़ दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रेमचंद का एक जो है एक साफ सुथरा सर्वस्वीकृत एक मॉडल जो है एक बनाया गया है। पाठ्यक्रमों में भी उसी तरह के प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ तक कि गोदान सरीखा उपन्यास भी जब पढ़ाया जाता है तो वो भी एक जो है एक खास तरह के मंतव्यों के साथ, खास तरह के निष्कर्षों के साथ ये पढ़ाया जाता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम प्रेमचंद को उनके सही वैचारिक परिप्रेक्ष्य में, सही रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में समझें, और फिर ये कहना पड़ेगा कि भारतीय समाज अपनी मूल संरचना में अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। जब तक भारतीय समाज की मूल मतलब आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक ये समाज बदल नहीं जाता, जब तक पितृसत्ता के बंधन टूट नहीं जाते, जब तक वर्णाश्रम जाति व्यवस्था तार तार नहीं हो जाती है, जब तक ये हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जो है मुस्लिम की शत्रु छवि, मुस्लिम की अन्य छवि का निराकरण नहीं होता है, तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि आज जब हम प्रेमचंद को जब हम याद करते हैं तो हम प्रेमचंद के वैचारिक सरोकारों के साथ याद रखें, प्रेमचंद के उस रूप को याद रखें जो आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, सर्वाधिक ज्वलंत हैं, और जिनको की पढ़ करके, जिनको की जान करके हम अपने, हम प्रेमचंद के समय समाज को भी समझ सकते हैं, आज के समय समाज की चुनौतियों को भी समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों।